हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पंत और आप देख रहे हैं मेरा एक खास शो जिसका नाम है किताबी सफरनामा। यात्रा वृतांत जो है आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़े जाते और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ज्यादा लिखे भी नहीं जाते। हालांकि अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में बहुत सारे यात्रा वृतांत लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी या उर्दू में ऐसे कम यात्रा वृतांत हैं जो लिखे जाते हैं। तो ऐसी ही यात्रा की किताबों को आपके सामने लाने की एक कोशिश है ये शो, जिसका नाम है किताबी सफरनामा, जो मैं समय समय पर आपके लिए लाते रहूँगा। तो आज मेरे पास जो किताब है वो एक बहुत ही खास किताब है और वो किताब है लखनऊ की पांच रातें, जिसे लिखा है अली सरदार जाफरी ने। ये वो किताब है और ये किताब जो है वो इतनी खूबसूरत किताब है कि जिसके बारे में मैं कितने ही खूबसूरत शब्द बयां कर दूं वो बात नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अली सरदार जाफरी की लखनऊ की उन पांच रातों में आपको ले जाया जाए अपने इस छोटे से कार्यक्रम में। तो इस शो को आप पूरा देखिए और देखिए कि कितनी खूबसूरती से कोई यात्रा वृतांत लिखा जाता है और अली सरदार जाफरी ने उर्दू की महक के साथ ये क्या खूब यात्रा वृतांत लिखा है। इससे पहले मैंने आपको नेत्र सिंह रावत की एक किताब के बारे में बताया था जिसका नाम है पत्थर और पानी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी मैं उसको डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब की बात, जिसका नाम है लखनऊ की पांच रातें। तो अली सरदार जाफरी जो हैं वो बलरामपुर में पैदा हुए, गोंडा उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी जगह है। बलरामपुर जैसी एक छोटी सी जगह से निकलकर उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया और अली सरदार जाफरी एक ऐसा नाम है जिसे उर्दू अदब की दुनिया में कोई ना जानता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद फिर लखनऊ में वो रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे, पत्रकार रहे और शायर रहे। उन्होंने कई धारावाहिक भी लिखे, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, तो एक तरह से देखें तो बहुत तरह का योगदान उन्होंने क्रिएटिव सर्कल को दिया और उन्हीं में से एक योगदान है ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही प्यारी सी किताब लखनऊ की पांच रातें। तो लखनऊ की पांच रातों में दरअसल अली सरदार जाफरी की पांच रातों का किस्सा है जो कि उन्होंने लखनऊ में बिताई, लेकिन केवल उतना ही नहीं है, उससे पहले कुछ किस्से हैं और उसके बाद में भी कुछ किस्से हैं। तो हम सिलसिलेवार उन किस्सों की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये किताब है वो शुरू होती है उनके बचपन से और बचपन जो उन्होंने बलरामपुर नाम के छोटे से कस्बे में बिताया। मैं एकदम शुरुआती पंक्तियां आपको किताब की पढ़ के सुनाता हूं, उससे किताब का मिजाज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्यों इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो लिखते हैं, मुझे इंसानी हाथ बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं, उनकी जुम्बिश में तरन्नुम है और खामोशी में शायरी, उनकी उंगलियों से तख्लीक की गंगा बहती है। ये वो फरिश्ते हैं जो दिल दिमाग के अरसे बरी से वही वो इल्हाम लेकर कागज के हकीर सतह पर नाजिल होते हैं और उस पर अपने लाफानी नकूश छोड़ जाते हैं। उन कागजों को दुनिया नज्म और अफसाना, मकाला और किताब कहकर आंखों से लगाती है और उनसे रूहानी तस्कीन हासिल करती है। तो जो किताब की शुरुआत है उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको थोड़ी सी उर्दू की समझ होनी ज़रूरी है इस किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप साथ में एक डिक्शनरी भी खोल के रखिए अगर आप ज़्यादा उर्दू नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो फिर तो आपको मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि इस किताब की जो पूरी रूह है वो उर्दू अदब से जुड़ी हुई है और हिंदी जो है बीच बीच में उसको एक फ्लो देने के लिए चली आती है, ऐसा इस किताब को पढ़ते हुए लगता है। बलरामपुर में बीते अपने खूबसूरत बचपन का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि बम्बई से 1,000-1,500 मील दूर शिमला में हिमालय की तराई का दामन, जहाँ से पहाड़ की बर्फपोश चोटियाँ दिखाई देती हैं, 15,000-20,000 की आबादी का एक छोटा सा कस्बा बलरामपुर, एक ताल्लुकेदारी की राजधानी। इस कस्बे की एक पतली सी गर्द आलूद सड़क के किनारे एक अस्तबल जिसमें घोड़ों के लिए 6 थान हैं,
साइसों के लिए 2 कोठरियां और मोटरों और गाड़ियों के लिए 3 गैराज। मेरे बचपन में हर थान पर घोड़े थे, हर कोठरी में साइस और हर गैराज में मोटर या बग्घी। अब एक गैराज में एक पुराना तांगा है और दूसरे में एक बोसीदा टमटम और 2 थानों पर 2 मरियल से घोड़े, जिन्हें देखकर उनके मालिकों के बारे में सही राय कायम की जा सकती है। अस्तबल के बाकी हिस्से में लेंडी कुत्ते रहते हैं, मोहल्ले की कुतिया बच्चे जनती हैं और कस्बे भर के जानवर गर्मी, बरसात और जाड़ों की सऊबतों से बचने के लिए आकर पनाह लेते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो कितना शानदार है जगहों का, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने पकड़ा है। एक तरह से एक मजाहिया लहजा जिसे कहते हैं, वो भी इस किताब में आपको जगह जगह देखने को मिलता है। पहले ही चैप्टर में थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि अब मेहंदी की बाड़, गुलाब, बेले और चंपा के पौधे, इश्क पेंचा के सुर्ख फूलों से भरी हुई सब्ज बेलें और हरी हरी धूप सब सूख चुकी है। बाग एक मैदान में तब्दील हो चुका है और अब सांड वहां आपस में लड़ते हैं और गधे रेंगते हैं और खजीले कुत्ते अपनी पिछली टांगों में अपनी दुम दबाए हुए टहलते हैं। पहले क्या था और अब क्या है, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, और जैसा कि मैंने कहा कि एक मजाहिया लहजा तो है ही। तो अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हुए अली सरदार जाफरी कहते हैं कि किस तरह से उनको, क्योंकि एक अच्छी फैमिली से आते थे तो उनको पढ़ने के लिए भेजा गया लखनऊ, और लेकिन वो बहुत आज़ाद ख्याल थे तो पढ़ने में उनका मन लगता नहीं था। तो उस किस्से को उन्होंने कुछ यूँ बयां किया है कि यह बड़ा ईमानदार, मज़हब का पाबंद और परहेजगार ख़ानदान था, इसलिए मुझे छोटी उम्र में सुल्तानपुर मदारिस लखनऊ में दाखिल कर दिया गया कि मौलवी बन जाऊँगा तो ख़ानदान की आकबत सुधर जाएगी। लेकिन तबीयत की आज़ाद रवि ने इस सआदत से महरूम कर दिया और मैं लखनऊ से 3 बार भागा। तो शुरू से ही ये था कि भाई एक क्रांतिकारी किस्म के शख्स हैं और किसी के हाथ तो नहीं आने वाले इतनी आसानी से। लेकिन एक उनके अंदर एक बहुत संजीदा पर्सनालिटी भी थी, संजीदा व्यक्तित्व भी था कि अपने स्कूल के एक टीचर के बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं कि इफ़लास कुछ मज़ाक़ाखेज तस्वीरें भी बनाता है लेकिन वो हकीकत बड़ी दर्दनाक होती है। मुझे अपने स्कूल मास्टरों की याद इसी तरह आती है। उनमें एक मुंशी बद्री प्रसाद छोटे से कद के बूढ़े आदमी थे, धोती बांधते थे और एक मैला सा कोट पहनते थे। मशीन से कटे हुए खशखाशी बालों के सर पर फेल्ट की काले रंग की मैली चिकट टोपी छोटे से तंग माथे पर झुकी रहती थी। गर्दन कोताह थी और कंधे ऊपर कोठे रहते थे। वो चलते भी थे जरा झुक के, तीसरे से छोटे दर्जे तक हिसाब पढ़ाते थे और बीच बीच में खकारते जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने टीचर का एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वर्णन किया है और बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। मुंशी बद्री प्रसाद जो हैं उनका जिक्र आज भी वो अपनी यादों में करते हुए कहते हैं कि आज मुंशी प्रसाद का ख्याल आता है तो मुझे उन पर बेइंतहा प्यार आने लगता है। हालांकि बचपन में उनके बेत खाकर मैंने भी दूसरे लड़कों की तरह दरख्तों के पीछे छुपकर उन पर आवाज़ें लगाई हैं, लेकिन मुंशी जी ने कभी लड़कों के फिक्रों पर मुड़कर नहीं देखा। गर्दन झुकाए आते थे और गर्दन झुकाए जाते थे। मैं कभी उनके घर नहीं गया। मुझे यह भी मालूम नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कैसी कैसी नाकामियां और हसरतें थीं। शायद ख्वाहिशों का गला वे बहुत पहले घोंट चुके होते और तेल सिर्फ इसलिए बेचते होंगे कि उनकी कलीस सी तनख्वाह उनके लिए नाकाफी होगी और उनकी दाल घी से महरूम रहती होगी। अब अगर मुंशी बद्री प्रसाद मिल जाएं, तो मैं उनके पैर छूकर गुस्ताखियों की माफ़ी मांगूं, जिनका गालिबन उन्हें इल्म भी ना होगा, और उनकी तेल की शीशियां खरीदने के लिए तमाम उम्र उनसे बेत खाता रहूं और उफ भी ना करूं। तो ये जो अपने टीचर का जो एक किस्सा उन्होंने सुनाया है, उसमें ये है कि वो गणित पढ़ाते हैं और जब बच्चों को कुछ नहीं आता तो उनको बेत से बहुत ज़ोर से मारते हैं और फिर उसका इलाज भी बताते हैं, और एक तेल है
उसको लगाने के लिए कहते हैं कि इस तेल को लगा के जो है तुम्हारी जो दिमाग है वो तेज़ होगा, इसीलिए वो उस तेल को बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा उन्होंने अपने बचपन से बताया है। तो ऐसे ही किस्सों की खान जो है वो इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलती है, जो उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद लखनऊ की पांच रातों की वो पहली रात है, और उस पहली रात में वो कैसे बताते हैं कि कैसे जो आज़ादी का समय है और आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही है, तो उन्हीं इंकलाबी लोगों में वो भी एक हैं, और उनकी जो पूरी पूरी जिसे हम गैंग कहेंगे या पूरा जो ग्रुप है वो आज़ादी के लिए लड़ने वालों का ग्रुप है, और उसमें शायर हैं, एक से एक शायर हैं, कौन कौन हैं वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आप सुनिए। वो एक जगह कहते हैं अपनी उन दिनों का जिक्र करते हुए जब वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने की जुगत में हैं। वो कहते हैं कि नौम्र तरक्की पसंद टोली अजीबोगरीब जिंदगी बसर कर रही थी। कुछ तो अभी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके थे। कुछ अभी अभी तालीम से फारिग हुए थे। हमारे चार मशगले थे, तालीम, अदब, सियासत और आवारागर्दी। इस एतबार से हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर पाए जाते थे। तो ये अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए, जो जवानी क्या एक तरह से लड़कपन के दिन कह सकते हैं, उनको याद करते हुए उन्होंने ये पूरा चैप्टर लिखा है। उसी में इस तरह के किस्से भी हैं कि हमारी बगावत का अंदाज़ रुमानी और इनफरादी था, जिसका सबसे हसीन पैकर मजाज की दिल आवेश शख्सियत थी। ये पूरी शख्सियत उनकी नज्म आवारा और अंधेरी रात के मुसाफिर में मौजूद है, और उसके बिखरे हुए जलवे उन रातों में नजर आते हैं जिनमें से पांच रातों का इंतखाब यहाँ पेश किया जा रहा है। तो ये जो किताब है, ये दरअसल मुझे इस पूरी किताब को पढ़ के लगा, ये किताब मजाज को एक तरह से ट्रिब्यूट है। मजाज जो एक मशहूर शायर हैं, उनका नाम कौन नहीं जानता, और उनको याद करते हुए कई बार ये किताब अली सरदार जाफरी के हवाले से उदास भी करती है, क्योंकि जिस तरह से मुफलिसी के दिन मजाज ने बिताए और एक उदास शख्स रहे, और किस तरह से उनकी मृत्यु भी हुई, उसका भी जिक्र किताब में आगे है, और मैं छोटा सा हिस्सा उसका भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। तो ये पूरी किताब उनको एक तरह का ट्रिब्यूट मालूम होती है, उनके प्रति लिखी गई एक श्रद्धांजलि मालूम होती है, और बहुत ही खूबसूरत। एक दोस्त जो आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त है, आपका बहुत अच्छा चाहने वाला दोस्त है, उसने अपने दोस्त के लिए किस तरह से एक ट्रिब्यूट लिखा है, वो इस किताब को पढ़ के समझ आता है। कई सारे तरह की शरारतें भी हैं, क्योंकि आपस में जो युवा हैं, यंग लोग हैं, वो मिले हुए हैं, आवारा किस्म के लोग हैं, और लेकिन इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो किस तरह की शरारतें करते हैं। जैसे ब्रिटिश दौर है, और वहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं वो कुत्तों का नाम भारतीयों के नाम पे रख देते हैं, लेकिन ये इन्होंने इसका एकदम उल्टा किया और एक कुत्ते का नाम रख दिया नेल्सन। तो पहली रात इसी तरह की आवारागर्दी की रात है। दूसरी रात में थोड़ा उन्होंने इसका जिक्र किया है कि कैसे बेरोज़गारी के दौर में वो पत्रिकाएं बेच के अपना समय निकालते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, और जेब में कुछ नहीं होता था। उसका जिक्र वो इस तरह से करते हैं कि वो तमाम रातें हमारे जिस्म, हमारे दिल, हमारी रूह में जज्ब हो चुकी हैं, बेमानी, फजूल, तूफ़ानी रातें, मगर उन्हीं में से मानी और मकसद के सितारे झांक रहे हैं। जब हम दिन को बाहर निकलते तो वो रातें हमारे साथ चलती थी। लोग मुड़कर देखते थे और आपस में इशारे करते थे, वो नए शायर जा रहे हैं। तो पढ़ के लगता है कि क्या दौर रहा होगा, एक तरह के दीवानेपन का दौर, जब शायर मजाज लोग जो हैं वो आज़ादी के तराने भी गा रहे हैं और अलग तरह की शरारतें भी कर रहे हैं। तो उस तरह का नॉस्टैल्जिया इस किताब को पढ़ के आपको होता है। एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें उनकी मुफलिसी का पता लगता है। वो किस्सा कुछ यूँ है कि हम तीनों बैठे सोच रहे थे कि प्रेस से नया अदब का पर्चा छप कर आ गया। हमने फौरन अपने दोस्तों की एक फहरिस्त मुरतब की और उनको नया अदब का खरीदार बनाने के लिए रवाना हो गए। ख्याल था कि कुछ रुपये आएंगे तो खाना भी पक जाएगा और पर्चा भी डाक से चला जाएगा।
बागों के किनारे गुजरती हुई ठंडी हवा और खामोश शाह नजफ रोड पर, जो हमारे घर से बहुत दूर नहीं थी, हम सबसे पहले एक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के घर पहुंचे। वो मजाज की शायरी के बड़े मुद्दा थे और उस पर्चे में मजाज की नई नज्म छपी थी। सुप्रिंटेंडेंट साहब खुद तो घर पर नहीं थे, लेकिन उनके छोटे भाई ने हमारी बड़ी खातिर मुदारात की। चाय पीने के बाद हमने सिगरेट जलाया और उनको नया अदब का पर्चा पेश किया। उन्होंने बड़े शौक से रिसाला ले लिया और जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर हाजिर कर दिया। हमारे पास रिसाला वापस करने के लिए 6 रुपए नहीं थे। उन्होंने 5 का नोट दिया, लेकिन हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। ये देखकर उन्होंने 5 रुपए का नोट भी वापस ले लिया और दूसरे दिन नौकर के हाथ 4 रुपए भेजने का वादा करके हमें रुखसत किया। हम एक दूसरे की सूरत देखते बाहर निकल आए। उनका ये फिक्रा बड़ी देर तक हमारे कानों में गूंजता रहा, आप तीनों के पास 1 रुपया भी नहीं है। एक तरफ तो इस तरह की मुफलिसी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि फिर भी जीना तो शान से है। तो उसी शाम जब उनके पास एक दुवन्नी और एक खोटी इकन्नी है, तो वो एक जगह घुस जाते हैं जहां ताड़ी मिल रही है और लिखते हैं कि मैंने ताड़ी की गरीब परवरी का कसीदा पढ़ा और सिप्त हसन ने उसकी गजाई खूबियों पर रोशनी डाली और मजाज यह दरियाफ्त करने के लिए अंदर घुस गए कि अच्छी दुवन्नी और एक खोटी इकन्नी में कितनी ताड़ी मिल सकती है। चंद लम्हों में मजाज की आवाज आई और मैं और सिप्त हसन खुशी से फूले नहीं समाए। लेकिन हमारा अंदर कदम रखना था कि मालूम हुआ जैसे ताड़ी खाने पर बिजली गिर पड़ी हो। 2-3 पीने वाले खौफजदा नजरों से हमें देखने लगे और ताड़ी खाने का मालिक हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और उजर करने लगा, मैं वक्त खत्म होने के बाद ताड़ी नहीं बेचता हुजूर। ये 2-3 आदमी देर से बैठे हैं और घर जाने का नाम नहीं लेते, तो ये जो ताड़ी बेचने वाला है वो इनकी शख्सियत देखकर डर गया। उसे लगा कांग्रेस के लोग हैं और ये इस तरह के ताड़ी की दुकान को बंद करने के लिए यहाँ पाए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ताड़ी की दुकान तो खुली मिली, लेकिन उनको ताड़ी फिर भी नहीं मिल पाई। तो ये जो किस्सा है दूसरी रात का, वो इस तरह से ख़त्म होता है। फिर तीसरी रात का किस्सा जो है वो जेल का किस्सा है, जहाँ पे इनको जेल हो गई है। तो उनको जब जेल होती है तो वो अपनी जेल का किस्सा कुछ यूँ बयां करते हैं। शाम होते होते मुझे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल कर दिया गया। मैंने पहली बार जिंदा की भूरी दीवारें और मगरूह आहनी सलाखें देखी जो मेरे चारों तरफ खड़ी हुई थी। उस रात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि गोमती कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, लखनऊ में क्या लताफत है, उसके इलाकों के नाम कितने रोमांटिक हैं, कैसर बाग, हजरतगंज, चांद बाग, बादशाह नगर, डालीगंज। यूनिवर्सिटी की इमारतें बागों से आरास्ता हैं, फूल खूबसूरत, चेहरे नौजवान कह कहे, बेफिक्री, बेकरारी, मुल्क की आज़ादी की लगन और एक अनदेखी अनजानी दुनिया की जहनी तलाश, और उस जज्बे में शायरी, सियासत, इश्क सब मिलकर एक हो गए। शायद इसलिए इंस्पेक्टर ने एक तस्वीर और एक मासूम खत मुझसे छीन लिया। तो लखनऊ से सरदार अली जाफरी की जो मोहब्बत थी वो आपको इन चंद लफ्ज़ों में समझ आ गई होगी। खैर, जेल का वक्फा थोड़ा मुश्किल रहा उनके लिए और वहाँ पे उन्होंने कई और भी स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकातें उनकी हुई और उसका भी जिक्र इस किताब में उन्होंने किया है। चौथी रात का जो किस्सा है वो मुशायरे का किस्सा है, जहाँ पे कई तरह के जो नामी शायर हैं जिनको बाद में इतिहास बड़े शायरों के रूप में जानता रहा, वो उस मुशायरे में मौजूद हैं और किस तरह से रात भर शायरी और शराब का दौर चलता रहता है वो इस पूरे के चैप्टर में है। ज़ौक इसमें आपको दिखाई देते हैं, गौहर सुल्तान दिखाई देते हैं, अहमद अली दिखाई देते हैं, सिप्त हसन दिखाई देते हैं और उनसे उनकी दोस्ती भी दिखाई देती है। फैज़ अहमद फैज़ भी वहाँ पर हैं, जज्बी वहाँ हैं, जानसार अख्तर हैं, सरदार जाफरी तो हैं ही। तो ये पूरा जो बहुत रोचक किस्सा उस मुशायरे की रात का है, शायरों की दुनिया कैसी होती है, वो इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिल जाता है। किताब का जो पांचवी रात का किस्सा है, जब वो पूरा होता है तो आप बेतरह उदास हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मजाज का किस्सा है, उनकी मुफलिसी का किस्सा है
और कहीं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही का किस्सा भी ये है जो आखिरकार उनकी मौत का सबब बनता है। इस पूरे चैप्टर में सरदार अली जाफरी की उदासी का सबब देखने को मिलता है, जो अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के टूटने और उजड़ जाने की कहानी बयां कर रहा है। और इस कहानी को बयां करते हुए वो कुछ ये लिखते हैं कि ये दोस्ताना सोहबतें ज़्यादा दिन कायम न रह सकी, मुआमलात न जाने कैसे बिगड़ गए, आखिर मजाज को रेडियो की मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस ज़माने में मजाज की ज़ाती ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तकलीफ देह वाक़िया हुआ। उसने उम्र भर में सिर्फ़ एक लड़की से मोहब्बत की और वह भी शादीशुदा थी, इसलिए मजाज की मोहब्बत खामोश थी लेकिन शेरों से छलक पड़ती थी। वह हविस की मंजिल तक कभी न जा सका। फिर भी एक दिन उस घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सिर्फ शिकस्ता दिली और बेकारी है। दिल में इंकलाब और बगावत की आग जल रही है जिसे शराब भी नहीं बुझा सकती, बल्कि इस आग को और भड़काती है। सबसे पहले जाम उन महबूब हाथों से मिला था जिन्हें मजाज ने कभी छूने की कोशिश नहीं की। इस कैफियत में मजाज की सबसे हसीन और इस अहद की सबसे भरपूर नज्म आवारा की तख्लीक हुई, जिसमें मजाज के ज़ाती गम उसके इंकलाबी एहसासात के साथ मिलकर एक हो गए हैं। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। यह नज्म नौजवानों का ऐलान नामा थी और आवारा का किरदार उर्दू शायरी में बगावत और आज़ादी का पैकर बनकर उभरा। उससे पहले यह लफ्ज़ परेशान हाल और परेशान रोजगार के मानों में इस्तेमाल होता था और बगुलों की तरह मारा मारा फिरता था, मगर अब यह भी सोचता है लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। जाफरी साहब आगे लिखते हैं कि रोज़गार और महबूबा दोनों को मजाज ने जिस तरह खोया उसे लिखने का वक्त अभी नहीं आया, लेकिन उसके ज़ेर असर उसकी हिस्सास शख्सियत टूटने लगी, उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ने लगा। यह कहना गलत है कि शराब ने उसके ज़हनी तवाजुन को ख़राब किया। हकीकत यह है कि एक शिकस्ता शख्सियत को ज़हनी तवाजुन की कमी ने शराब में गर्क कर दिया। 4-5 साल तक उसने अपनी टूटी हुई शख्सियत को समेटे रखने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ वह बिखरती गई और मजाज एक ना तमाम गीत बनकर रह गया। मजाज जैसे उम्दा शायर को, एक उम्दा इंसान को जिस तरह जाफरी साहब टूटते हुए देख रहे थे, और क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे तो इस ये देखते हुए उनका टूटना भी जाहिर था। और ये वो जो पूरा दुख है, वो जो पूरी उदासी है और एक तरह की लाचारगी है, वो इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलती है। वो लिखते हैं कि किस तरह से एक वक्त आया जब मजाज का पूरा जज्बा जो है वो जवाब दे चुका था और उनमें अब शायद जीने की तमन्ना ही नहीं रह गई थी। जाफरी साहब ने लिखा है कि जिस दिन जज्बे की मासूमियत ख़त्म हो जाती है उस दिन शायर और शायरी दोनों का जनाजा निकल जाता है। इसके बाद मिट्टी में दफन होना और शराब में गर्क होना बराबर है। आखिर में वो जिक्र करते हैं कि कैसे मजाज की मौत हुई, कि किस तरह से जो उनके दोस्त हैं वो उनको ताड़ी पीने ले गए और एक सर्दी की ठिठुरती हुई रात में एक खुले छत के नीचे ताड़ी पीते हुए बेहोश पाए गए, और सुबह जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया तो देर हो चुकी थी और कुछ समय बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वो कहते हैं कि मजाज की कब्र पर उसका अपना एक शेर लिखा है, अब इसके बाद सुबह है और सुबह नौ मजाज, हम पर है ख़त्म शाम गरीबाने लखनऊ। लखनऊ की 5 रातें लिखते हुए जो अंतिम बात, 5वीं रात की बात वो लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि मजाज के साथ एक तरह से जो लखनऊ की शाम है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये 5 चैप्टर जो हैं लखनऊ की 5 रातें के, इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और इसमें चैप्टर हैं, 2-3 चैप्टर और हैं। एक चैप्टर जिसमें वो चेहरू मांझी का ज़िक्र करते हैं,
और फिर कैसे वो लेनिनग्राद पहुंचते हैं और वहाँ के क्या खूबसूरत विवरण उन्होंने किए हैं जंग से उपजे हुए एक शहर के वर्णन उसमें आपको देखने को मिलते हैं। स्टालिनग्राद घूमते हुए प्लेनेटेरियम का एक जिक्र करते हैं और वो जिक्र मुझे बहुत रोचक लगा। किस तरह से वो एक प्लेनेटेरियम में जा रहे हैं और उसके बाद वो लिख रहे हैं। शायद उस समय तक कोई प्लेनेटेरियम भारत में तो नहीं ही रहा होगा, ये उनका पहला अनुभव होगा इस तरह से प्लेनेटेरियम को देखने का। तो वो लिखते हैं, ये ख्वाब था या जादू, साइंस का करिश्मा था या आर्ट का, फितरत कितनी हसीन है और अपने हुस्न के लुटाने में कितनी फयाज, लेकिन इंसान फितरत के हुस्न में इजाफा करने में कमाल रखता है। असली आसमान भी इतना हसीन नहीं है जितना अंजुमिस्तान के गुंबद में बंद आसमान। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कोई बहुत अच्छी नज्म पढ़ी है, कोई बहुत गंभीर और खूबसूरत नगमा सुना है। तो अगर आप इस किताब से अच्छी चीज़ों को पढ़ने बैठेंगे तो वो सिलसिला फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लफ्ज़ इस किताब का इतना खूबसूरत है और एक एक जो डिस्क्रिप्शन है, एक एक विवरण जो है वो इतना सुंदर है कि आप उसमें से कुछ चुन नहीं सकते। फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ चुनी हुई चीज़ें अली सरदार जाफरी की लखनऊ की पांच रातें से आपको सुनाई। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन से ऐसे यात्रा वृतांत हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं। मैं अपने इस वीडियो से अली सरदार जाफरी की इस खूबसूरत किताब को कितना जस्टिफाई कर पाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस किताब को उठाएँ और उसे पूरा पढ़ें तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। ये किताब जो है वो राजकमल पेपरबैक से आई है और इसकी कीमत सिर्फ 199 रुपये है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको उर्दू भाषा का जादू देखना है और एक शायर जब एक किताब लिखने बैठता है तो उसकी खूबसूरती क्या होती है वो देखना है तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, अली सरदार जाफरी की लखनऊ की पाँच रातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पर कोई कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यात्राओं से जुड़े, यात्रियों से जुड़े और यात्रा की किताबों से जुड़े ऐसे वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए यात्राकार उमेश पंत।